25 दिसंबर 2014 में जब पहली बार मैं आया था इधर ओएसिस वेलिस, तब आशा क्लास चलता था हमारे स्कूल में. तो वो दीदी वो सब हमको हेल्थ के बारे में सब बताते थे. और एक बार वो कहते हैं ना, वो सिलेक्ट करना था कौन जाएगा. वो हम सरप्राइज था कि किसको भेजना है. वहाँ पे बताया भी नहीं था, सिर्फ वो 5-6 वो दीदी ने गुण लिखे कि वो जो लिखे तुम्हारे फ्रेंड में उसका चिट्ठी में नाम लिखो और इस बैग में डाल दो. तो सबने किया. तो फिर दीदी ने अनाउंस किया कि इतने इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इसमें. हम दस लोग थे उसमें. टॉप में मैं था. तो दीदी ने बोला कि आप सबको 10 दिन के लिए DAC कैंप में जाना है, वो चाणूद में है. तो 10 दिन का नाम सुनकर चौंक गए कि 10 दिन वो भी वहाँ अकेले और फोन वोन कुछ साथ में नहीं ले जाना, कुछ भी नहीं है. तब तो मेरी तो इच्छा थी इधर आने की, लेकिन बीच में पापा आ गए कि वहाँ पे तो 10 दिन अकेला रहेगा तो मर जाएगा इधर. तो अहमदाबाद में फिर वापस भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे. वहाँ पे जंगल है, वो सब है, वहाँ पे नहीं जाना है. तो फंसे ही गए. मैं तो बहुत अच्छे से फंस गया. ऊपर से वो दीदी को भी बोल दिया, दीदी मेरा नाम लिखो, मैं पक्का आ जाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं. तो पापा भगवान में बहुत मानते हैं, तो उन्होंने पैसे दिए और बोला कि एक स्लीपर ले, जो अच्छा निकले तो जाना, नहीं अच्छा निकले तो नहीं जाना. फिर आए सब बैठे, हमने लंच किया. बाद में हमारे मेहुल भाई ने वो आए और वो हमारे फैसिलिटर थे. तो वहाँ पे बोला कि आपको ज्यूरी बनना है. तो हमारे प्रतिनिधि हमें तय करने है. तो मैं मेरे दोस्तों सब आए. तो मैं डेफिनेट स्पीकर बना और मुझे पता ही था कि मेरे स्कूल के लोग मुझे ही सपोर्ट करेंगे. केस आने लगे, हमें चॉइस फॉर्म चॉइस की सब अच्छे से ड्रीम इंडिया निकल गया. ऐसा लगा कि एक दिन में पूरा हो गया. और एग्जाम होती है तो ऐसा लगता है कि 7 सदियां हो गई. फिर ऐसे ड्रीम इंडिया खत्म हुआ. फिर बोला कि वॉलेंटियर इधर होते हैं, फैकल्टी होते हैं, सब होते हैं, वो आप में कोई भी आ सकता है. तो दूसरा ड्रीम इंडिया किया. बाद में वॉलेंटियर आया, उसमें एक लिस्ट बनाया कि इतने इतने काम तुम्हें करना है और उसमें सभी में टिक होना चाहिए और अच्छा चौकड़ी नहीं होना चाहिए, राइट ही होना चाहिए. तो भी थोड़ा पहला था इसलिए थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन अच्छा रहा, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया. फिर दूसरे में वॉलेंटियर आया, उसमें भी अच्छा रहा. फिर मैंने दीदी को बोला मेरे नौवीं दौड़ का वैकेशन वहाँ पे ही निकालूंगा. तो इधर आया. मैंने तो सोचा था वो वॉलेंटियर में हमें काम करना है, हमें क्या कोई ऊंचा होदा देने वाला है. तो फिर आया. फिर दीदी ने मैं बोला कि दीदी मुझे फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी बनना है, फिर मैं बाद में फैकल्टी बनूंगा. तभी हीरा दीदी ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया कि तुम्हें मॉर्निंग सेशन लेना है, अर्ली मॉर्निंग सेशन लेना है, सारे जितने सेशन आते हैं ना वो सब तुम्हें लेना है. तो मैं तो फंस गया, मेरे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं था क्या करना है. तो सारे मुझे तो लगा कि दीदी पागल नहीं हो गए ना, सारे कभी भी एक भी सेशन लिया नहीं, सब के सब फिक्स कर दे. मैं तो मुसीबत में आ गया. और साथ में विनीत भी थे, तो उन्होंने और भी जताया कि सभी ले तो चेतन तो कर लेगा. तो पछी तो ये दीजिए तो ऊँगत ना है, ये सोया भी नहीं.
दूसरा डीएस है उसमें तो 12वीं कक्षा के लोग थे, मैं तो 10वीं में, मैं तो बोलना, मेरी दीदी ने बोला दीदी मैं ये डीएससी में से तो बहुत अच्छे से नहीं होगा क्योंकि बच्चे भी बहुत बड़े हैं और मैं तो छोटा हूँ, उनको मैं क्या सिखाऊंगा। तो फिर मेयर भाई ने भी बोला कि उसमें क्या आपको बच्चे के साथ मिल जाना है, वो अपने आप अपना काम हो जाएगा। तो ऐसे किया तो वो डीएससी भी अच्छे से चला गया और 12वीं, और मुझे सभी बच्चे उठा के ले जाते थे। सभी सेशन में जाना है ना तो सभी बोलते चेतन भाई चलो हम आपको उठा के ले जाते और बच्चे भी इतने अच्छे थे बहुत। अब तो ऐसे इससे भी बड़ा काम करना है।